नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईडी दफ्तर के बाहर। यहां पर कांग्रेसी नेता अब उग्रवादियों की तरह पेश आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। इसी बीच कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रदर्शन तेज हो गया है। खबर है कि पार्टी के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन में टायरों में आग लगा दी है। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान नेताओं और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के कुछ देर बाद दूरी पर ही टायरों में आग लगा दी। घटना की खबर लगते ही दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। खास बात है कि जांच एजेंसी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के दौरान तीन दिनों से हंगामा लगातार जारी है। आगजनी के अलावा कांग्रेस नेता लगातार बैरिकेड्स को धक्का मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इससे पहले खबरें आई थी कि अधीर रंजन चौधरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अजय माकन समेत कई बड़े नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। इससे पहले सुबह भी पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया था। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पुलिस के अधिकारियों का जिक्र करते हुए चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि ये सब रात रखा जाएगा। वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। लगातार यहां पर पूछताछ के दौरान कांग्रेस उग्रवादियों की तरह बिहेव करते नजर आ रहे हैं। ऐसे भी देखना दिलचस्प होगा कि इनके ऊपर कितनी कड़ी कार्रवाई यहां पर केंद्र सरकार करती नजर आती है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।